Now we have got some sentences here. यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास एक noun है, उसके साथ हमने indefinite article use किया, एक noun है उसके साथ definite article use किया, और यहाँ पर भी एक noun है उसके साथ हमने indefinite और definite articles use किया. अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि जब हम articles use करते हैं तो वहाँ पे underlying meaning क्या होता है, what is meant by those articles. ठीक है, articles को देखकर हम किस तरीके से interpret करें meaning को. भाई आर्टिकल यूज किया तो इसका मतलब आर्टिकल इज हेल्पिंग इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. तो हम आर्टिकल से क्या इन्फर करें कि अगर ये आर्टिकल यूज किया गया तो यहाँ पे ऐसा मीनिंग अंडरस्टूड है. तो उसको देखो समझते हैं. व्हेन वी से कमल बॉट अ कार, कमल ने कार खरीदी, तो इट मीन टू से कि हम ये कह रहे हैं वन कार. ठीक है, बट वन कार, बट a particular car, but unidentified. ठीक है, ये मतलब है. But when we say Kamal bought the car, it means some particular and identified car. ठीक है, when we say a car runs on fossil fuel, तो इसका मतलब any car in general. when we say the car runs on fuel, it means some particular and identified car. तो ये meanings understood होते हैं. अब अगर हम इन meanings को ध्यान से देखें तो हमें एक बात समझ में आएगी कि जो an articles होते हैं उनका use हम किसी particular noun के साथ में भी कर सकते हैं और general के साथ में भी कर सकते हैं. अगर हम किसी ऐसे noun की बात करें जो particular है लेकिन इन अनआइडेंटिफाइड है, मतलब उसकी अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया, ठीक है, तो हम उसके साथ ए एन आर्टिकल यूज करते हैं. और हम ए एन आर्टिकल का यूज ऐसे नाउन्स के साथ में भी करते हैं जो जनरल हैं, कोई पर्टिकुलर की हम बात नहीं कर रहे. जैसे हमने लिखा कमल बॉट अ कार, कमल ने एक कार खरीदी, तो द कार दैट कमल बॉट, ठीक है, कमल ने जो कार खरीदी वो एक पर्टिकुलर कार है. ठीक है, जो भी उसने खरीदी है, जो भी मॉडल है, जिस भी कंपनी की है, जिस भी कलर की है, वो एक पर्टिकुलर कार ही होगी जो कमल ने खरीदी है. बट वो अभी हमारे लिए आइडेंटिफाइड नहीं है. ये तो हमें पता कि कार खरीदी है, ठीक है, लेकिन उस कार के स्पेसिफिक हमें नहीं पता. दैट इज लाइक ऑल अदर कार्स. ठीक है तो वो पर्टिकुलर, लेकिन अभी उसके हमें वो एट्रीब्यूट्स, उसके हमें आइडेंटिटीज वो नहीं पता जिनसे वो हमारे लिए डेफिनेट हो पाए. तो हमने यहां पर ये आर्टिकल लिख दिया कि उसने एक कार खरीदी. लेकिन जब हम ये कह रहे हैं अ कार रन्स ऑन फॉसिल फ्यूल, तो यहाँ पे अ कार का मतलब ये नहीं कि वन कार, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट कार इन जनरल, एनी कार. तो एन आर्टिकल जो होते हैं इनको लेकर हमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि एन आर्टिकल्स जो होते हैं उनका मीनिंग वन भी होता है और उनका मतलब एनी भी होता है. जब हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर नाउन को रेफर करने के लिए जो अनआइडेंटिफाइड आइडेंटिटी का हो, ठीक है, तो ये वन का मीनिंग कन्वे करता है. तो जब हम ए एन आर्टिकल का यूज करते हैं वन के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये रेफर करते हैं किसी एक अनआइडेंटिफाइड नाउन को जिसकी, मतलब पर्टिकुलर नाउन को जिसकी आइडेंटिटी इंडेफिनिट हो. लेकिन जब हम वन का यूज करते हैं एनी के कॉन्टेक्स्ट में, कि ऐसा सेंटेंस जहां पर वन का मतलब हो एनी, ठीक है, तो वहां पर, तो वहां पर जो आपका एन आर्टिकल होता है वो जिस नाउन को रेफर करता है वो नाउन जनरल आइडेंटिटी का होता है. तो एन आर्टिकल का यूज हम दोनों तरीके के नाउन्स के साथ में करते हैं, ऐसे नाउन्स के साथ में भी जो पर्टिकुलर हैं, ऐसे के साथ में भी जो जनरल हैं. जब ऐसे सिंगुलर नाउन्स के साथ हम एन का यूज करें जो पर्टिकुलर होते हैं, तो वहां पर एन आर्टिकल का मतलब वन हो जाता है. जब हम किन्हीं ऐसे नाउन्स के साथ में एन आर्टिकल का यूज करें जो जनरल होते हैं, तो वहां पर एन आर्टिकल का मतलब एनी हो जाता है. तो ये एन आर्टिकल को लेकर हमें थोड़ा ध्यान देना है. फिर अब बात कर लेते हैं द आर्टिकल की. द आर्टिकल के साथ में क्या है,
कि जब भी हम द आर्टिकल लिखते हैं तो वहां पर हमारा अंडरस्टूड मीनिंग जो होता है वो होता है दैट वन, ठीक है, या दोज वन, ठीक है। दिस और दैट वन और दीज और दोज वंस, क्योंकि द आर्टिकल जो होता है ना वो प्लूरल के साथ में भी यूज हो सकता है, एन आर्टिकल तो प्लूरल के साथ नहीं यूज होते हैं। तो जब हम द आर्टिकल का यूज सिंगुलर नाउन्स के साथ करते हैं तो वहां पे अंडरस्टूड मीनिंग कुछ ऐसा होता है, दिस वन या दैट वन, तो वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर है। अच्छा, जब प्लूरल के साथ में हम द आर्टिकल का यूज करते हैं तो वहां पे अंडरस्टूड मीनिंग होता है दीज वंस या दोज वंस। मतलब जब भी हम वहां पे द आर्टिकल यूज करते हैं तो द आर्टिकल अगर प्लूरल नाउन्स के साथ में यूज किया जा रहा है तो आप ऐसा मान के चलिए कि वो दोज का सब्स्टिट्यूट है। जब हम उसको सिंगुलर के साथ में यूज करते हैं तो वो दिस या दैट का सब्स्टिट्यूट होता है। अब देखिए, जब हम कभी कहते हैं कि दिस वन, दैट वन, दोज वन, दीज वन, तो वहां पे रेफरेंस हमेशा स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर, पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक होता है। तो अगर कोई नाउन्स ऐसे हो जिनके साथ में विच वन का मीनिंग अंडरस्टूड हो, जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा विच वन, कौन से वाला, विच वन या which ones? If someone asks this question, which one or which ones? तो उसका जो reply हम देंगे, तो वो noun हमारे लिए definite होगा, तो उसके बाद हम the article लिखेंगे। तो ऐसे nouns जिनके साथ में which one का reply understood होता है, हमारा listener, हमारा reader जानता है कि which one, तो वहाँ पे हम the article का use करते हैं। तो the article चाहे हम singular noun के साथ में use करें, चाहे plural के साथ में use करें, वो हमेशा उन nouns को refer करता है जो specific हैं, identified हैं, डेफिनेट है। एन आर्टिकल का यूज हम पर्टिकुलर के लिए तो कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर की हम बात कर रहे हैं जो अनआइडेंटिफाइड है, स्पेसिफिक नहीं है, और जनरल के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम जनरल के लिए यूज करते हैं एन आर्टिकल का यूज, तब ये रेफर करते हैं किसी अनस्पेसिफिक नाउन को, मतलब कोई स्पेसिफिक की बात ना करके हम जनरल बात कर रहे हैं, तो वहां पर एन आर्टिकल जो होते हैं वो एनी का मीनिंग कन्वे करते हैं। जैसे हमने कहा अ कार रन्स ऑन फॉसिल फ्यूल, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक और पर्टिकुलर कार, वी आर टॉकिंग अबाउट कार इन which is not specific, तो यहाँ पे इसका मतलब है नहीं है। लेकिन जब हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं ऐसे सिचुएशन में, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कमल बॉट अ कार, तो यहाँ पे जो ए आर्टिकल है वो जिस नाउन के साथ लिखा गया वो नाउन अनस्पेसिफिक नहीं है, अनआइडेंटिफाइड है, है तो स्पेसिफिक है, तो एक पर्टिकुलर नाउन जो उसने खरीदा है, जो पर्टिकुलर कार है, लेकिन वो भी हमारे लिए अनआइडेंटिफाइड है। द के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, द का मीनिंग सेम सा ही रहता है, आप किसी भी सिचुएशन में लिखो। आगे बात करते हैं, एक दो एग्जाम्पल से हम इसी बात को जो भी हमने डिस्कस किया ना जो समझते हैं।